पार्टी की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, काशीपुर में बीती रात्रि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश मिश्रा की कोरोना से मौत पर काशीपुर के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने शोक जताते हुए शासन की कार्यप्रणाली की निंदा की। वहीं आपको बता दें, आपके विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान उनके परिजनों के हवाले से बताया कि सुशीला तिवारी चिकित्सालय में अवधेश मिश्रा के उपचार में लापरवाही बरती गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही इशू था कि हमारे कार्यकर्ता अवधेश मिश्रा जी का कल कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, RT-PCR, जो पिछले 3 दिन से हल्द्वानी STH में भर्ती थे और उनको वहाँ कोई इलाज नहीं दिया गया था। दुखद घटना यह है कि रात 1:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना तक उनके घर वालों को सुबह 6:30 बजे कंट्रोल रूम वाला नंबर डायल करके और अल्टीमेटली 6:30 बजे किसी डॉक्टर का वहाँ से नंबर मिलता है और वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि रात 1:30 बजे जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर गए। ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासन जो इस समय पिछले 4 महीने से कोरोना के लड़ने के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है, उन व्यवस्थाओं की एक पोल खोलता हुआ एक बिल्कुल जीवंत उदाहरण है। जिस व्यक्ति की 3 दिन पहले भर्ती होती है और उसके पास अक्यूट सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं, उसमें दिखाई देते हैं कोरोना से रिलेटेड, और उसको कोई इलाज नहीं दिया जाता और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया है कि अंत समय तक उनका भाई यह बता रहा था कि कोई इलाज नहीं हो रहा है, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं दी गई और अल्टीमेटली रात 1:30 बजे जैसा सूचित करा गया है उनकी मृत्यु हो गई। हम पहले भी आवाज़ उठाते आए हैं कि कोरोना में वेंटिलेटर्स का बहुत अहम रोल है, ICUs का बहुत अहम रोल है और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार को करनी है वो व्यवस्थाएं तुरंत वॉर फुटेज पर उसको वो करनी चाहिए। लेकिन ये घटना से स्पष्ट पता चल रहा है कि कोई वॉर फुटेज नहीं है। हमारे पूरे ज़िले के अंदर एक भी एक्टिव वेंटिलेटर नहीं है उधम सिंह नगर के अंदर। इसी कारण जो मंगलवार देर रात उनको जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल से STH हल्द्वानी शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पार। अल्टीमेटली उनको कोई इलाज नहीं मिला, वहाँ पर भी 3 दिन तक इस बात का इलाज होता रहा, इस बात का इंतज़ार होता रहा कि जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी हम कोई इलाज नहीं शुरू कर पाएंगे, जबकि वो अक्यूट सिम्टोमेटिक केस था। मैं मांग करता हूँ शासन से कि इस बात को बहुत गहनता से, बहुत गंभीरता से इस पर विचार करें और जो भी व्यवस्थाएँ करनी हैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको रखते हुए। हमारे किसी भी नागरिक की अगर मृत्यु होती है वो दुखद होती है और उसके लिए शासन जो भी व्यवस्था करे, जो चाहिए, इवन अगर कोई सिविल बॉडीज से कुछ हेल्प चाहिए, अगर शासन के पास व्यवस्थाएं नहीं हैं आर्थिक या किसी भी रिसोर्सेज के मामले में, वो प्राइवेट संस्थाओं से हेल्प ले और उसको प्लीज़ एक्टिवेट करें। कोई भी एक नागरिक की असामयिक, वो भी 32 साल की उम्र में, मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि 32 साल की उम्र मात्र उस व्यक्ति की है जो रात में जिनको हम खो चुके हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। शासन को इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा भगीरथ जी, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं पहले भी एक हफ्ते से इस बात को कहता चला आया हूँ कि एक बहुत बड़ा समन्वय की कमी है शासन में और प्रशासन में। जिस समन्वय की कमी के कारण जो दृष्टि है, जो विजन है सरकार में, वो विजन नहीं है। जो सक्सेस रेट जिस तरीके की दिल्ली की सरकार में, सिर्फ आम आदमी पार्टी का होने के नाते नहीं, ये फैक्ट्स और आज की फिगर्स बोल रही हैं कि जैसे दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से कोविड पे एक रोक लगाने की कोशिश करी है, आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल की जो दृष्टि है, जो विजन है इस बीमारी को हैंडल करने का, मैं फिर से एक बार सरकार से, हमारे उत्तराखंड की सरकार से फिर से मांग करता हूँ कि वो उसी रास्ते पर चले, क्योंकि वो टेस्टेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रास्ता है और उसको प्लीज़ आप कैसे भी करें, मुझे नहीं मतलब इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, जो भी कुछ करना है आपको
हमारे अगर एक भी नागरिक की अगर जान बचती है अगर उस रास्ते से, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को काम करे।